समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल। दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। हम सब ने कम से कम ये एक बार ज़रूर सोचा होगा कि काश ऐसा हो पाता कि समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियां सुधार पाते, या फिर भविष्य में जाकर आने वाली घटनाओं को देखकर उसे रोक पाते। दोस्तों, अगर साइंस की माने तो सदी के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा दी गई फेमस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, मतलब E=MC² के हिसाब से अगर आप लाइट की स्पीड से तेज स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो आप समय के साथ खेल सकते हैं, मतलब कि आप समय में पीछे जा सकते हैं या फिर आगे भी। दोस्तों, साइंस के इतने एडवांसमेंट में भी लेकिन आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने समय में पीछे जाकर टाइम ट्रेवल किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ जिन्होंने ऐसा दावा किया है, और जानेंगे समय यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और मज़ेदार जानकारियाँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं TRK Tech, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने समय में यात्रा की थी। नंबर एक पर हैं शर्लट एनी मोबर्ली और एलेनोर जॉर्डन। बात है सन 1901 की, कि जब ये दोनों स्कूल टीचर छुट्टियां मनाने फ्रांस गए थे, गार्डन ऑफ वर्सलिस में घूमते घूमते ये दोनों भटक गईं, और भटक कर दोनों एक अनजान जगह चली गईं जहाँ पर उन्होंने एक पुल देखा। जब वे लोग पुल पार कर दूसरी तरफ गईं तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था। वे लोग वहाँ पर मौजूद एक बड़े से लॉन में गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शानदार पार्टी चल रही है और लोगों ने 70 के दशक के कपड़े पहने हुए हैं। उन्हें लगा वे लोग एक कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुँच गए हैं। वहाँ पर दोनों ने कुछ समय बिताया तथा वापस अपने होटल रूम की तरफ चले गए। होटल पहुँच कर उन्होंने निश्चय किया कि वो दोबारा उस जगह पर अगले दिन जाएंगी। जब अगले दिन वो वहाँ पर पहुँचे तो वो हैरान थी कि वहाँ पर कोई पुल मौजूद नहीं है और ना ही कोई पार्टी के सबूत। तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो समय में पीछे चली गई थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी किताब एन एडवेंचर में भी किया है। दोस्तों, नंबर दो पर है हॉकन नॉर्कविस्ट। बात है सन 2006 की, जब 36 साल के हॉकन अपने किचन में आए तो देखा कि किचन की पानी जमा हुआ है। उन्हें लगा कि उनके किचन की सिंक पाइप लीक हो रही है। तब वो सिंक पाइप को ठीक करने पाइप तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें लगा कि वह पाइप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब वह घुटने के बल रेंग कर पाइप के कैबिनेट के अंदर दाखिल हुए। जब वो अंदर गए तब उन्हें लगा कि सुरंग काफ़ी लंबी जा रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि वह सुरंग का मुआयना करेंगे। तो वह घुटनों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी देर घुटनों के बल रेंगते रेंगते उन्हें एक छोर पर रोशनी दिखाई दी। जब वह उस छोर से बाहर निकले तो बाहर उन्हें बिल्कुल ही एक अलग सी दुनिया दिखाई दी। अगर उनकी माने तो वो समय में बहुत ही आगे चल गए थे। उनके हिसाब से वो फ्यूचर में पहुंच गए थे। अगर उनकी माने तो वो सन 2042 में पहुंच चुके थे। और इतना ही नहीं, वो इस बात का दावा भी करते हैं कि उन्होंने भविष्य के हॉकन नॉर्कविस्ट से मुलाकात भी की। और वो इस बात को दावे के साथ सच इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जिस व्यक्ति से वहाँ पर मुलाकात की उसे वह सारी बातें पता थी जो हॉकन को पता थी। जैसे कि स्टैंडर्ड 1 में वो अपनी सारी चीज़ें कहाँ छुपाते थे। अपने दावे को सच करने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें उन्होंने अपने ही जैसे दिखने वाले एक शख्स के साथ एक वीडियो बनाई है और वो दावा करते हैं कि ये भविष्य के हॉकन नॉर्कविस्ट हैं। अब यह वीडियो कितनी सच है ये बात कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस वीडियो को देख कर खुद ही फैसला कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं सर विक्टर गुडार्ग। बात है सन 1935 की, जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विंग कमांडर सर विक्टर गुडार्ग अपने ओपन कॉकपिट फायर प्लेन में स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने नीचे देखा, नीचे था ड्रम एयरफील्ड। ड्रम एयरफील्ड का निर्माण पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और विश्व युद्ध में वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण उसका इस्तेमाल बंद किया जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। हवाई पट्टी पर दोनों ओर हरी घासें उगी थी और वहाँ पर
जानवर चारा चर रहे थे और हैंगर्स जहाँ पर प्लेन रखे जाते हैं उनका हाल भी बहुत खस्ता था। एक दिन बाद छुट्टियाँ मनाकर जब वह उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तब उनका प्लेन एक बहुत ही भयंकर तूफान में फंस गया जिससे उनका प्लेन बेकाबू हो गया। जैसे तैसे करके वे अपने प्लेन को अपने नियंत्रण करने में कामयाब हुए और कुछ ही दूरी पर जाकर तूफान भी छट गया और उनके सामने था तेज सूरज की रोशनी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे था ड्रम एयरफील्ड, लेकिन वहाँ अब सब कुछ बदला सा लग रहा था। सिर्फ एक दिन में ही ऐसा करना संभव नहीं था। ड्रम एयरफील्ड पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था, हैंगर्स भी नए लग रहे थे, हवाई पट्टी भी बिल्कुल नई थी और घास भी खत्म हो चुके थे। साथ ही साथ हवाई पट्टी की एक छोर पर चार प्लेन खड़ी थी जो पीले रंग में रंगी हुई थी। साथ ही पास में कुछ ऑफिसर्स खड़े थे जिन्होंने नीली वर्दी पहनी हुई थी। सर विक्टर गुराग ने अपना प्लेन वहाँ पर लैंड नहीं किया क्योंकि वह जगह उन्हें संदेहास्पद लगी, क्योंकि उस समय रॉयल एयरफोर्स की कोई भी प्लेन पीली रंग में नहीं रंगी जाती थी और ना ही कोई ऑफिसर्स की वर्दी नीली होती थी, बल्कि उस समय ऑफिसर्स की वर्दियाँ भूरे रंग की हुआ करती थी। वापस आकर जब उन्होंने लोगों को यह बात बताई तो लोगों ने कहा कि शायद वह तूफान में भटक गए होंगे और किसी और जगह पहुँच गए होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही सालों के बाद ही ड्रम एयरफील्ड को दोबारा बना लिया गया, साथ ही साथ रॉयल एयरफोर्स के प्लेन भी पीले रंग में रंगे जाने लगे और ऑफिसर्स की वर्दियाँ भी नीली हो चुकी थी। अब यह केवल संयोग था या इसमें कोई संबंध है यह भी कहना कठिन था, पर जहाँ तक सर विक्टर गुडार की बात करें तो वह समय में आगे जाकर लौट चुके थे। दोस्तों, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर टर्मिनेट और बनाएंगे इसका पार्ट टू, जिसमें आप देखेंगे समय यात्रा संबंधित कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आपको कोई क्यूरी और सजेशन है तो इसको कर दीजिए कमेंट। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या पसंद ना आई है तो भी कर दीजिए कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, आपके लिए लाता रहता हूँ मैं इसी तरीके से जानकारी भरी वीडियो। तो दोस्तों, मिलेंगे इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।